ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बालू नदी ट्रक से अवैध वसूली करना पुलिसकर्मियों के लिए फिर महंगा पड़ गया। भोजपुर एसपी राकेश कुमार दुबे ने अवैध वसूली से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार की शाम बरारा थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एसपी ने बताया कि बरारा थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हुआ था। सदर एसडीपीओ से वायरल वीडियो की जांच कराई गई। जांच के दौरान वायरल वीडियो की पुष्टि कर दी गई, साथ ही प्रतिवेदन समर्पित कर दी गई थी। समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर बरारा थाना अध्यक्ष दीप नारायण सिंह, दरोगा कृष्ण प्रसाद, हवलदार कारू सिंह, चालक सिपाही राजीव रंजन, मुकेश कुमार एवं मोहम्मद आजाद को निलंबित कर दिया गया। अवैध बालू खनन एवं परिवहन से संलिप्त माफियाओं के खिलाफ खनन विभाग ने भी बुधवार की बड़ी कार्रवाई की है। जिले के बराहरा और चांदी थाना क्षेत्र में खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बालू का स्टॉक करने वाले लोगों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने 52,000 CFT अवैध बालू जब्त करते हुए स्थानीय 39 बालू तस्करी करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। वही दूसरी ओर विभिन्न थाना क्षेत्रों में बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाते हुए आरा बालू ओवरलोड ट्रकों की जब्त किया गया है। छापेमारी अभियान का नेतृत्व तो सहायक खनन निदेशक प्रमोद कुमार ने किया। इस बाबत सहायक खनन निदेशक ने बताया कि बरहरा और चांदी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना मिली थी कि बालू का अवैध भंडार किया जा रहा है। इसी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई है।